मीडिया किस तरह से काम करता है और उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट में उसको पूरा हमने एक आपको एक प्रोसेस में डालने की कोशिश की, लिखने के हवाले से, डेडलाइन के हवाले से, फिर जब टॉपिक किस तरह से अप्रूव होता है, फिर वो चेक किस तरह से होता है, फिर आपको किस तरह से लिखना है, वो पूरा हमने कोशिश की कि इसमें आपको एक लर्निंग हो जाए। अब उसमें ज़ाहिर है कि क्योंकि हम आधा सेमेस्टर शायद उधर क्लास में कर पाए थे, तो बाकी जो है फिर ऑनलाइन मामला चला गया, तो उसमें भी खासी दिक्कतें हुई। एक पूरी नई टेक्नोलॉजी हमारे लिए, आपके लिए, तो बहरहाल चीज़ें ये रही। अभी जो सूरत हाल है उसमें कुछ इस तरह से है कि हमने ये टॉपिक कवर किए हैं, हाउ टू राइट, और राइटिंग पीस को कैसे डाइसेक्ट या कंस्ट्रक्ट किया जाए, न्यूज़पेपर कंटेंट, उसके फॉर्मेट, उसका एनालिसिस, उसके एलिमेंट क्या हैं, और फिर ये न्यूज़पेपर जो है वो क्या है, किस तरह से काम करता है, टॉपिक को नैरो डाउन कैसे किया जाए और उसकी आउटलाइन कैसे बनाई जाए, फिर बीट रिपोर्टिंग उसमें हमने पहले कुछ पढ़ाया भी, और बाकी जो है इसमें कुछ एक्सपीरियंस भी, एक प्रैक्टिकल वर्क का भी रहा, सोर्स कैसे डेवलप हूँ बीट के अंदर, आर्टिकल क्या है कैसे लिखा जाए, फीचर क्या है कैसे लिखा जाए, प्रोफाइल क्या है कैसे लिखा जाए, एडिटिंग, एडिट, सब एडिटर का जॉब क्या है, हेडलाइन किस तरह की होती हैं, कैसे लिखी जाएँ, लेआउट जो डिज़ाइन है खबरों की तरतीब देना वो है, एडिटर राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, फिर उसके बाद हम कुछ ये थ्योरेटिकल चीज़ों की तरफ आ गए, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की कि इसके अच्छे मयार क्या हो सकते हैं जर्नलिज्म के, और मीडिया को क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करती हैं, वो इदारे, वो तरीके वो हैं, फिर अखबार और उस न्यूज़पेपर में और मैगज़ीन में क्या फ़र्क है, इस पर बात हुई, और फिर इंटर्नशिप, ये एक तरबियत का मरहला होता है जिसमें आप अपने जो एक जो पढ़ा होता है उसको आप अमली शक्ल में ढालने की कोशिश करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। मीडिया का स्कोप क्या है, इसमें हमने दो सेशन किए, और टर्मिनोलॉजी हमने आपको पढ़ाई, तो ये चीज़ें जो है मजमूई तौर पर रही। इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, आप में से कोई अगर चीज़ पूछना चाहे इस पूरे हमारा जो हमने प्रैक्टिकल वर्क किया और हमने जो कुछ पढ़ा, तो इसमें हम आपके सवालात का जो वेलकम करेंगे। आप कोई भी चीज़ पूछना चाहें जी हैंड रेज करें तो मैं आपको अलो कर दूंगा। हाँ जी बेटा अमरता, पहले आपसे ही बिस्मिल्लाह करते हैं, आप बताएं। जी सर। हाँ सर, मुझे देखो ना वो क्वेश्चन तो एक सच बोलो, बाकी मुझे ओपे तो ब्याज का क्वेश्चन स्टूडेंट से करना हुआ ओवरऑल, तो उन्हें जेको वीडियो लैब मुकले हुआ, तो वो वीडियो कौन थी सगी यूट्यूब पे तन जो से पूछण वो बेटा, तो जो वो ऑनलाइन क्लास सही ऑनलाइन में क्वेश्चनिंग थी न थी सगे के पूछे न तो बाकी पो हुआ न तो थी सगे बेटा, उन्हें मुंह तो पूरी कोशिश कई पर हिन वक्त टाइम मुवट जे के से एमए प्रीवियस से पार्ट 3 जा बिनी जा मिलाए टोटल 15 सवाल है, मतलब का अच्छा तो पुअर रिस्पांस आ आउने ते मुसलसल फेसबुक ते भी क्लास में भी चयो मुझे भाई ताउने ते नोट हणी छड्यो, बल्कि मु यो बुन में लिखियो तो यो मैंडेटरी आ कंपलसरी आ, उन जे बावजूद भी उन ते को एतरो को घणो रिस्पांस कोन आयो आ, ए टोटल मुझे ख्याल आ त 12 सवाल पूछो ता पेरे हुआ सजी प्रेजेंटेशन दिसी वठो, वो सजो ता लेक्चर पूछी वठो, उनका पो वो गोलियो जेको उन में ता के जवाब नथो मिले। हाने मिसाल के तौर ते हिकरे के मुका पूछो त सब एडिटर जो जिम्मेदारियों कड़ी आन, सब एडिटर जिम्मेदारी तो उन में सजो लिखो पियो, तो यो
मुमकिन न हों तो भाई आऊं सजी प्रेजेंटेशन के वरी जो उन्हें बुधा ऑफ नो यूज यो नो डाउट मुझे ख्याल में ढो फ्रूटफुल थी सके तो जिके भी सवाल पूछना चाहो था उन बारे में जी सर यो सही रहो। हाँ ठीक है बेटा, आप कुछ नहीं कहना चाह रहे अक्सा जी बेटा? जी कोई सवाल नहीं है? नो सर फिलहाल नहीं। मार्क्स थोड़े कटेंगे सवाल पूछने का। इसरा कहाँ बुधाए पुटो ता काश है पूछने मुझे सर फिलहाल कोई सवाल नहीं है। अच्छा सफा, बाकी जो सवाल होगा वो YouTube पे पूछ लेंगे कमेंट में। और कोई बेटा? सबसे पहले तो हम गर्ल्स को मौका देना चाह रहे हैं। कोमल बेटा आप बताएं? नहीं चलें। जी जी तां बुधाए पुटो नहीं चलें। चलें अब मेरा ख्याल में हम बॉयज को मौका देते हैं। नजफ तां बुधाए? नजफ राजपर जी सर। हाँ तां काश है पूछना चाहो? न सर क्लियर ऑलमोस्ट। कुर्बान तां बुधाए? सर सवाल त इन हिसाब सां को कोने, बाकी इहो आहे जो पेपर्स जो छा सर थींदो, कीअं थींदा, कुझु माण्हू उन हिसाब जो माइंड ठाहे वठे। बेटा हाणे इहो त अगेन अञा ताईं डिसीशन अचणो आहे। हाणे पाण वटि जेके यूनिवर्सिटी में जो ऑप्शन्स आहिनि एग्ज़ाम्स के हवाले से, वो तीन ऑप्शन हो सकते हैं, बल्कि एक तरह से उस पर गौर हो रहा था। एक तो ये था कि भाई ओपन बुक एक होता है कि भाई हम आपको देते हैं और आपको हम बोलें कि आप जो है ये हमें 8 घंटे में या कोई भी इस तरह का टाइम उसमें आप हमें ये दे दें, फिर आप जाने आपका काम जाने। उसके लिए अगेन जो क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे वो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके के होंगे, लेकिन ये कि वो अलो एक दुनिया में बाज़ जगहों पर ऐसा ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। दूसरा जो है वो ये है कि भाई इसको वाइवा लिया जाए ऑनलाइन। तीसरा जो ऑप्शन था वो ये था कि MCQs जो है वो आपको जो है वो दिए जाए ऑनलाइन ही, तो उसमें जैसे होता है ना भाई इसके मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जाएं, इसके पार्ट वन के लिए आपको हमने 3 क्वेश्चन दिए और उसके लिए 5 मिनट रखे फर्ज करें, फिर दूसरे के लिए ऐसे रखे, इस तरह से आपने हमें करके दे दिया। तो ये 3 ऑप्शन हैं। इस तरह का मुझे कोई नहीं लगता कि हम जैसे एग्ज़ाम जो है वो डिपार्टमेंट में चल कर के सब बच्चे क्लास में बैठ कर इकट्ठे होकर के देते थे। मेरा ख्याल है कि अभी तक इसकी सिचुएशन नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक जहन इसी तरह से कि इन 3 में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ओके सर थैंक यू। ओके काम बुधाए नूरुद्दीन बाबा? तो और कोई भी चीज आप पूछना चाहें आपके इस पूरे सिलेबस में आपके लिए एक ओपन ऑप्शन है कि आप उसमें। अच्छा इसमें एक चीज़ में वो आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो प्रैक्टिकल काम किया है आपका जो उसके जो जब हम क्लासेस रेगुलर वहाँ चल रही थी तो वो हमने आर्टिकल राइटिंग कराई थी, 4 असाइनमेंट हैं आर्टिकल राइटिंग के, फीचर के, प्रोफाइल के, ट्रांसलेशन के। तो इन सब के जो है वो जो आपने वहाँ काम किया उसका भी, जो यहाँ पर किया है उसका भी, उसके मार्क्स हैं। बीट रिपोर्टिंग जो है उसके मार्क्स हैं। आपने जो न्यूज़ एडिटिंग और राइटिंग पीस की एडिटिंग की है उसके भी मार्क्स हैं। फिर हमने रोशनी का जो पर्चा, जो कितने पर्चे निकाले थे अमरदा? घना पर्चा कटे आप? सर मैंने बस भाई लॉकडाउन लगी। अच्छा तू तो पा उन्हें तैयारी पे कई मैगजीन की मुझे
हाँ सर ना पोवा ने मैगजीन जो ही हलियो पे ऑनलाइन से जो कम हलियो पे पोवरी या कोई लॉकडाउन लगी हो जो जो ना कुछ ऐसे है बहुत यूनिट स्टार्ट पे थी ने तो पांखे यो यो तो पोवा मैगजीन जो कम कंदा थी चलो मतलब पान इशू बही कटिया हाँ इशू बह कटिया चलो वो तो फेसबुक ते हूं तो वो सजो पांच जो ने थे आउने के चेक करे वटो तो एनीवे तो वो उसमें आपके जन जन बच्चों ने भी इसमें पूरा जो भी काम किया है आर्टिकल राइटिंग से फीचर प्रोफाइल राइटिंग से लेकर के ट्रांसलेशन बीट रिपोर्टिंग और एडिटिंग वो एडिटिंग आपने शौर में की हो या आपने जो है वो रोशनी में की हो उसका जो है वो उनका उन्होंने सीखा वो अपनी जगह पर लेकिन ये कि वो हम यहाँ पर काउंट में जब हम मास का करेंगे तो उसको हम लाएंगे